एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है कुर्ती हॉल पर जो मैंने मंगाई है मंत्रा से। और रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे दोनों आने वाले हैं, तो इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए मैंने दो कुर्ती ऑर्डर की है। तो जो पहली कुर्ती है वो है रक्षाबंधन के लिए कुर्ती, ये है मैरून कलर की, और ये मैंने मंगाई है लिबास ब्रांड से। मेरे पास लिबास ब्रांड की बहुत सारी कुर्ती हैं, और वो कुर्ती है ये मैरून कलर में, फॉयल प्रिंट है गोल्डन कलर का, और ये पॉलिस्टर में है और इसमें गोल्डन कलर का प्रिंट दिया गया है। और स्लीव्स इसकी कुछ हाफ स्लीव्स कह सकते हैं या 3/4 स्लीव्स कह सकते हैं, और वो इसकी बोट नेक है, और साथ में यहाँ पर हुक क्लोजर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से हुक, ये हुक है यहाँ पर। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको यहाँ पर कट है, हल्का सा स्लेट है, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर स्लेट दिया गया है। और साथ में है इसके यहाँ पर कुछ बीड्स जैसे, कुछ बटन जैसे कुछ लगे हुए हैं, और इसके अंदर यहाँ पर हाफ, जैसे हाफ होता है मतलब पूरे में नहीं है लेकिन आधे में ही यहाँ पर अंदर अस्तर दिया गया है, और बाकी पूरा ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा ट्रांजी नहीं है। और वैसे भी इसके अंदर एक प्लाजो पैंट है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बस जहाँ तक इसके अस्तर की ज़रूरत है वहीं पर इसका अस्तर दिया गया, और नीचे थोड़ा सा हल्का सा ट्रांजी लुक आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका प्राइस कुछ 1400-1500 है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे, हाँ ये इसका प्राइस है 2000 रुपीज़, और ये मुझे ऑफ में मिली है 700 समथिंग रुपीज़ की, तो 700 रुपीज़ के हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छी कुर्ती लगी। इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इसमें ये प्रिंट है, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके साथ में है ये इसकी बॉटम में है प्लाजो पैंट, जिसको थोड़ा सा कह सकती हूँ, ये वाला जो स्टफ है ये शैंटून होता है, मतलब एक शैंटून आपने देखा होगा, बहुत अच्छा मटेरियल तो नहीं, मैं नहीं कहूँगी इसको हम कई बार अंदर लाइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि 700 रुपीज़ के हिसाब से मुझे एक थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप की कुर्ती पूरा सूट मिला है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये प्लाजो है इसके साथ में, साथ में पीछे इलास्टिक दिया गया है, और जैसे कि इसके मैचिंग देने के लिए यहाँ पर, इसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ये बीट्स दिए गए हैं इस तरफ, ऐसे ही यहाँ पर ये बीट्स दिए गए हैं नीचे भी। और मैंने इसको ट्राई किया था, मेरा साइज है मीडियम और मुझे एकदम परफेक्ट फिट आ रहा था। थोड़ा सा ये मैंने देखा कि मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ट्राई किया था तो नीचे इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, थोड़ा सा क्रॉप पैंट के तरह इसको यूज़ करेंगे थोड़ा सा ऊपर तो बहुत अच्छा लुक आएगा इसमें। तो ये ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आई है रक्षाबंधन के हिसाब से, 700 के हिसाब से बहुत अच्छी डील है। इसको आप ऐसे ही कैरी कर सकते हैं, फिर दुपट्टे के साथ कैरी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी कुर्ती है मेरे लिए इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने ऑर्डर की है, और ये है ऑरेंज और ग्रीन कलर में, ये भी लिबास से ही ऑर्डर की है, और इसका प्राइस भी है 700 समथिंग। और ये है दूसरी कुर्ती, इसमें स्लिट नहीं है, ये ए लाइन शेप की है, और एसिमेट्रिकल है इसका डिज़ाइन, एसिमेट्रिकल है मतलब एसिमेट्रिकल, और थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइप की, हाई लोड टाइप की ड्रेस है ये। और यहाँ पर ये भी वही है, 3/4 स्लीव्स ही बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर प्लेन कुर्ती है, ग्रीन कलर की प्लेन कुर्ती है, और यहाँ पर लेसेस की तरह शू लेस हम बांधते हैं उस टाइप का कुछ यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है, और यहाँ पर डोरी दी गई है। और इसका स्टफ़ की मैं बात करूँ तो ये पॉलिस्टर स्टफ़ है, कॉटन स्टफ़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ होता है, तो पर्सनली मुझे ये वाला स्टफ़ बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में है इसकी प्लाजो पैंट, इसको भी क्रॉप पैंट की तरह ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्रिंट है, ये प्योर कॉटन है, और इसमें ये प्रिंट दिया गया है, और सेम है ये भी, पीछे इलास्टिक दिया गया है, नीचे इस तरह से बेल्ट है और पीछे भी थोड़ा इलास्टिक है, और साथ में इसके दो पॉकेट्स हैं, तो ये बहुत सुंदर ड्रेस मुझे लग रही थी। और साथ में इस ड्रेस की जो भी इस टाइप की एसिमेट्रिकल ड्रेसेस होती हैं या फिर जो विदाउट स्लिट होती हैं, ए लाइन जो ड्रेसेस जो होती हैं, तो वो उनमें मुझे बहुत एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं उसको एज ए सिंपल ड्रेस की तरह भी कैरी कर सकती हूँ, मतलब यहाँ पर बस एक बेल्ट लगाइए और आपकी एक वेस्टर्न ड्रेस तैयार हो जाती है, थोड़ा सा कभी इवनिंग में कहीं बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ऐसे ही कहीं घूमने जा रहे हैं, और आपको कुछ एथनिक पहनने का मन नहीं हो रहा है, तो उसको बस इस तरह की ड्रेसेस के साथ में बेल्ट लगाइए और बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह इसलिए मुझे एसिमेट्रिक ड्रेसेस कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, और ये वाली तो बहुत अच्छी लग रही है। हालाँकि इस बार इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो लेकिन 15 को छुट्टी है और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे थोड़ा सा दो दिन पहले सेलिब्रेट होता है, तो इसलिए मैंने ऑफिस के लिए उसी थीम को ध्यान रखते हुए ये ऑर्डर किया है, ग्रीन और ऑरेंज। देखती हूँ मैं इसके साथ में दुपट्टा कैरी करूँगी नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता है, बट ये ऐसा भी बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये दोनों कुर्तियां आपको पसंद आई या नहीं। मिलती हूँ कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।